सो हेलो गाइस, अभी हम शिमला से निकल चुके हैं और पहले हमारा प्लान बना था कि हम कुफरी में जाएंगे और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, पर वहाँ पे हमने माहौल देखा काफ़ी क्राउडेड था और मतलब हमें बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब खिचड़ी खिचड़ी सी भर गई थी और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। सो अभी हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है, अभी हम जा रहे हैं चहल की तरफ। तो चहल बहुत अच्छी जगह, प्यारी जगह है। तो अभी हमारा रूट हमने डाइवर्ट कर लिया चहल की तरफ कुफरी से। बेसिकली कुफरी से आप जब जाएंगे तो ये उसी रोड पर पड़ता है, कुफरी वाली रोड पर आपका चहल। तो अभी हम चहल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते को एक बार देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है रोड। सो हम देखना चाहते हैं हमारा एक्सपीरियंस अभी कैसा होगा। नितिन की भी दूसरी ड्राइव है माउंटेन्स पे, पहले तो किया हुआ है, तो आप बोले थे ना अभी तक वैसे नैनीताल गया हूँ, सो मुझे लगा फिर तो बढ़िया है, फिर ये हमारे हैवी ड्राइवर है बेसिकली, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है। सो गाइस, बेसिकली हम अभी कुफरी से निकले हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अभी हम चहल की तरफ जा रहे थे, तो हमने एक छोटा सा मैं ब्रेक लिया है चाय का। एक्चुअली सुबह से हमने थोड़ी चाय वाय नहीं पी, तो थोड़ा माहौल भी हो गया था चाय पीने का। तो अभी हम ऑन द वे हैं चहल के। सो अभी हम रास्ते में हैं, तो अभी बैठे हुए हैं जैसे यहाँ पर एक ही बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है, कोई भी नहीं है, यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है। और ये कार अपनी है जिसमें हम आए, और एक छोटा सा कह लो ढाबा कह लो या थोड़ा सा स्टैंड, मतलब जहाँ पर चाय वाय अपना कॉफ़ी मैगी सब बना रहे हैं। तो कुछ 3-4 बजे का टाइम हो गया था, हमने सोचा कि चाय कॉफ़ी कुछ पी ली जाए। और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा बॉन फायर चल रहा है अपना, मस्त हम बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है फरीदाबाद की किनारे पर उसके। और बढ़िया आप देखेंगे तो पूरा आप व्यू देखिए, जंगल ही है यहाँ पे, पूरा घना जंगल है। ये देखिए पूरा मतलब यहाँ पर घना जंगल है। और यहाँ पे अंकल जी आप यहीं पर रहते हैं क्या, आपका घर वर पास में, ये दूर है आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे? तो आप डेली पैदल जाते हैं? चलो आज हम सो गाइस, आप देख सकते हैं पहाड़ पे लाइफ हम जितना सोचते हैं उतना इजी नहीं है, मतलब लोकल यहाँ पर रियली अभी भी बहुत स्ट्रगल है। वो मतलब वो यहाँ पर अभी भी मतलब 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर आप सोच सकते हैं कि हम 1 किलोमीटर नहीं जा सकते, ये यहाँ पर 10 किलोमीटर डाउन जाते हैं और डेली अप आते हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हुए थे, अंकल के सामने बहुत एक्सपीरियंस अच्छा शेयर किया अंकल ने हमें, अपनी लाइफ के बारे में बताया कि यहाँ पर लाइफ कैसे हम जीते हैं, कैसे करते हैं। सो अब मतलब 10 किलोमीटर आना जाना डेली बेसिस पर, हम कैसे रहते हैं, सामान लाने लेने की क्या परेशानियाँ हैं, मतलब कोविड ने हमने इनसे काफ़ी देर तक बातें की, तो हमें पता लगा कि कोविड सिचुएशन में यहाँ की सिचुएशन कैसी थी, सरकार की तरफ से क्या हेल्प थी क्या नहीं, और इनकी यहाँ पर डेली लाइफ का शेड्यूल कैसा होता है। मतलब हमारा काम क्या है, हम आईटी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कोई दिल्ली में मार्केटिंग कर रहा है या कुछ भी जॉब कर रहा है, तो एक शहर की लाइफ भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी होती है। बट हम यहाँ पर हैं गांव में, इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही मतलब ये मतलब बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। और उस सिंपल ज़िंदगी के साथ इनकी काम करने के तरीके ऐसे होते हैं कि हम उसको मतलब डेली 10 किलोमीटर सो सकते हैं, और अगर इनको पानी लेने जाना है, सामान लेने जाना है, तो उनको बहुत बहुत दूर दूर तक उन चीज़ों को लेने जाना पड़ता है। जैसे मार्केट जाना है, मार्केट के लिए इनको बहुत दूर जाना पड़ता है, इनको सब्जी लेने जानी तो उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इवन ये दूध और ये सब्जियों के लिए तो इनको बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, मतलब जितने की सब्जी नहीं उतने का इनका कन्वेंस लग जाता है। सो अभी अंकल से हमने काफ़ी देर बात की, हमें पता लगा कि यहाँ पर सच में पहाड़ पर ज़िंदगी कैसी ही टफ होती है। तो कुछ ऐसा हमारा एक्सपीरियंस था, और मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, शायद हम वो कभी अपनी लाइफ में कर भी ना पाए। सो बेसिकली गाइस, अभी हम चहल की तरफ जा रहे थे, तो हमको एक बहुत रास्ते में बोर्ड दिखा ट्रैकिंग एंड कैंपिंग का, तो हमने वहाँ पे रह के और हमने एक पता किया भैया के पास है, थोड़ा सा ऑफ रोड करके आना पड़ा 1.5 किलोमीटर। पर ये लोकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। अब देख, ये सारे एप्पल के पेड़ है, मतलब अभी एप्पल तो नहीं है बट जिन पर एप्पल आते होंगे तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो और वो एक कॉटेज है, किसी को पार्टी करनी है तो वहाँ पर बैठ कर पार्टी कर सकता है। तो अभी हमारा ये यहाँ का होम स्टे है आज का, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, हमारा रूम अब किस टाइप का है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, बहुत बढ़िया है, और लोकेशन और यहाँ का व्यू कितना ही प्यारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने रूम पर, ये यहाँ के डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर बैठ के खाना पीना खाएंगे, बातें शातें करेंगे शाम को अपने लिए, और ये हमारा रूम
अच्छे यहाँ पे आज हमें स्टे करने वाले हैं। तो इसलिए हम तीन बंदे हैं, 2+1, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस ले लेंगे, यहाँ बिछ जाएगा। सो ये कोई दो बंदों को बैठने के लिए, ये हीटर है और ये थोड़ा सा किचन है और ये वॉशरूम। बढ़िया है, बहुत रीजनेबल रेट पे है, कोजी कोजी से रूम में बहुत ही बेहतरीन वाइब्स आ रही है, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। सो अभी पेड़ कुछ ऐसे लग रहे हैं, बट जब इन पे एप्पल आते हैं तो ये पेड़ ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू, जंगल सारे में लकड़े वकड़े काटे हुए हैं बॉन फायर करने के लिए। सो यहाँ पर ऐसे खेत वेत हैं और यहाँ पर बहुत जंगल में है ये कॉटेज। और यहाँ की सड़क देखिए, हम इस पर ऑफ रोडिंग करके आए हैं 2-3 किलोमीटर का नीचे मेन अपनी चैल वाली रोड से, और रोड खैर आगे भी जा रहे हैं, वहाँ पे आगे किसी की कोठी है, वहाँ पे कॉटेज वटेज है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये हमारे भैया का यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, ये इनका प्लेस है छोटा सा, बहुत ही बढ़िया है। सुरोहित आपको कैसा लगा ये स्टे, है ना? नाइस, मतलब इन होटल टाइप का, और मतलब बहुत ही बहुत रीजनेबल प्राइस पर, बहुत रीजनेबल और प्रीमियम, मतलब हाँ फ्री कंसिडर करो, मतलब जितना हमने शिमला पे किया हमने कुछ भी नहीं है। और मतलब लोकेशन, मतलब हाँ तो जैसा हमने शिमला में देखा था, बट ये कि थोड़ा सा ऑफ रोड है, गांव के हैं, तो इसलिए चीप कॉस्ट पर लोकेशन। हमको तो यही चाहिए था, हम शहर की दुनिया से यहाँ पर आते हैं, किस लिए आते हैं हम? शांति, कीप कम, अपने आप से कुछ, बाप से कुछ। तो मतलब गाइस अब यहाँ पर आएंगे ना तो पहाड़ों पे एक अपनी ही फीलिंग रहती है, मतलब कुछ ना कुछ अपने आप में लगा रहता। तो मतलब आप सब भी आइए घूमने के लिए और सेफली आइएगा, सेफली ड्राइव कीजिए, और मतलब बहुत ही अच्छा प्लेस, सेफ मतलब बहुत बढ़िया प्लेस है चैल। तो अभी मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर है सेव कर दूँगा। ओके बाय।